हाय स्टूडेंट, आज हम बताने जा रहे हैं नंबर सिस्टम के बारे में। जो आज पढ़ाएंगे ये टोटल कम्प्लीट क्या कहते हैं कम्पिटेटिव एग्जाम के थ्रू रहेगा। ये मैक्सिमम ये यूज करेंगे नवोदय में, और यूज करेंगे हम सैनिक स्कूल में, और अदर एग्जाम में भी यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं सिकस, यानी कि स्टार्टिंग से हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। जैसे नंबर सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति यानी कि यहाँ पर संख्या बहुत है और सभी संख्या के बारे में जानकारी लेना है। अब हम सभी संख्या के वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। जैसे यहाँ पर हम नेचुरल नंबर ले लेते हैं। नेचुरल नंबर हो गया। नेचुरल नंबर का मीन यही है प्राकृतिक संख्या, यानी कि प्राकृतिक में जो भी चीज है उसे हम काउंटिंग कर सकते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्या हम उसे बोलेंगे जैसे हम काउंटिंग कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा नेचुरल नंबर है, यार देखो ये नेचुरल नंबर ये वन से स्टार्ट होता है, वन से स्टार्ट होता है, इसकी कोई लिमिट नहीं रहता है। ये वन से हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इनफाइनाइट तक ले जाएंगे। तो नेचुरल नंबर का जैसे हम लोगों का एक सिंबल है, जैसे तुम्हारा नाम गोविंद है, तो गोविंद का जैसे नाम तो सभी लड़के जो है एक समान है, लेकिन वहां पर जो नाम है ये सिंबल है, ऐसे नेचुरल नंबर का भी एक सिंबल है जिसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ये कैपिटल एन हो गया। कैपिटल एन इक्वल होता है, कैपिटल एन इक्वल 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। जैसे यहाँ पर कैपिटल एन इक्वल हो गया 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक है। ये नंबर्स हम कैसे बोलेंगे, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का मीन ही हो गया, जो प्राकृतिक में जो संख्या है उस प्राकृतिक संख्या हो गया। अब उसके बाद हम नेक्स्ट हम देखते हैं होल नंबर का मीन है कि पूर्ण संख्या। होल नंबर यानी कि होल का मतलब है पूरी संसार, तो ऐसे सेम इसमें भी बोलेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मीन है जो भी नंबर रहेगा वो कंप्लीट नंबर रहेगा, जो भी नंबर रहेगा वो कंप्लीट में रहेगा। लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव में ही रहता है, नेचुरल नंबर भी पॉजिटिव रहता है और ये भी नेचुरल नंबर पॉजिटिव ही रहता है। लेकिन यहाँ से ये स्टार्ट होता है 0 से। लेकिन जैसे हमने नेचुरल नंबर का सिंबल बताए थे कैपिटल एन होता है, सेम प्रोसेस होल नंबर में भी सिंबल होता है, जैसे हम कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। अब क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू इक्वल हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू इक्वल 0 1 2 3 ये डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ये जो भी नंबर्स रहेगा, देखिए यार ये जो भी नंबर्स रहेगा नेचुरल और होल नंबर्स में, ये दोनों नंबर्स कंप्लीट नंबर रहेंगे। ये ना फ्रैक्शन में रहेगा, ना डेसिमल में रहेगा, और ना ही निगेटिव में रहेगा। इस नंबर्स को हम बोलते हैं होल नंबर, और इस नंबर्स को नेचुरल नंबर बोलते हैं। अगर आ गया कि डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड होल नंबर, यानी कि नेचुरल और प्राकृतिक और पूर्ण संख्या में अंतर क्या है, तो देखिए तुम लोगों को साफ साफ यार दिख ही रहा है कि यहाँ पर केवल डिफरेंट क्या है, यहाँ पर एक 0 नहीं है और यहाँ पर 0 है, तो डिफरेंस बस इतना ही है, नहीं तो दोनों हमारा सेम है। तो ये नेचुरल नंबर हो गया और ये होल नंबर हो गया। अब इसी में हम देख लेते हैं इवन और ऑड नंबर, उसके बाद हम नेक्स्ट नंबर फिर बता रहे हैं। तो इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर का हिंदी में बोलते हैं सम संख्या। सम संख्या जैसे अगर कोई सामान है, जैसे सपोज करिए कि हम ले लिए हैं 2 समोसे ले लिए हैं, तो 2 समोसे ले लिया है, अगर हमें इसमें 2 लोगों को बांटना है, 2 लोगों में जब कंप्लीटली बट जाए, यानी कि 2 ही लोगों में बांटना है, और कंप्लीटली जो भी सामान हम लिए अगर कंप्लीटली बट जा रहा है तो उसे हम बोलेंगे इवन नंबर, यानी कि सम संख्या। तो ये देखिए जो 2 लिए हैं तो एक एक हम हाफ हाफ दे देंगे, मतलब कि एक एक उनको दे देंगे, ये हमारा आ जाएगा इवन नंबर में। अगर हम 3 समोसे ले लिए, सपोज करिए कि 3 ले लिए हैं, तो हम 2 लोगों में डिवाइड नहीं कर पाएंगे, यानी कि वो जब भी मिलेगा खड़ा नहीं मिलेगा, हाफ एक में मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, तो एक को काटना पड़ जाएगा, तो यहाँ पर काटना नहीं है, तो इसलिए ये नंबर्स, ये जो 3 रहेगा ये 3 नेचुरल इवन नंबर्स नहीं रहेगा। अब देखिए यहाँ पर इवन नंबर्स यानी कि जो
आप ये भी कह सकते हैं जो टू के टेबल में आता है यानी कि दो के पहाड़ा में जो आता है वही हमारा नेचुरल इवन नंबर रहता है। जैसे टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन फोर्टीन सिक्सटीन एटीन ट्वेंटी डॉटर। तो ये सारे नंबर से कौन से नंबर हो गए? इवन नंबर। देखिए आज जो हमें बता दिए थे कि टू से जो डिवाइड होता है तो टू से जो सारे नंबर्स टू के टेबल में आते हैं ये कौन से नंबर हो गए? इवन नंबर, मतलब कि सम संख्या। अब जैसे बड़ी बड़ी नंबर्स हो गए, अब बड़े नंबर्स को कैसे राइट करेंगे? तो हम बड़े नंबर्स को राइट करके देख लेते हैं कि बड़े नंबर्स को कैसे पहचानेंगे। बड़े नंबर जैसे 426 है, ये बड़े नंबर्स हो गया। और हम एक नंबर्स और ले लेते हैं 2867 हो गया। ये दो नंबर्स हैं। अब दो नंबर्स में देखना है कौन सा इवन नंबर, मतलब कि सम संख्या है। तो यहाँ पर देखिए टू से ये डिवाइड हो जाएगा और ये टू से डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये टू से कट जाएगा लेकिन ये टू से नहीं कटेगा, इसलिए ये नंबर हमारा हो गया इवन नंबर, मतलब कि सम संख्या। और इवन नंबर बड़े नंबर्स को पहचानेंगे कैसे? लेकिन पहचान कैसे बनाएंगे, पहचानेंगे कैसे उसको? क्योंकि जैसे अगर हम लोग पार्टी में गए हैं तो वहां पर देखेंगे कि हम लोग यार पार्टी यानी कि हम लोग का कोई एक सिंबल रहेगा कि हमारे सारे के मित्र कौन कौन से हैं। ऐसे इवन नंबर का सेम होता है, तो वहां पर देखना है कि ये भी जितने नंबर्स हैं कि ये कैसे इवन नंबर है। तो यहाँ पर पहचानने के लिए लास्ट में जिसकी या तो जीरो रहेगा या लास्ट में टू हो सकता है या लास्ट में फोर हो सकता है या लास्ट में सिक्स हो सकता है या लास्ट में एट हो सकता है। यानी कि फोर सिंबल दिए हैं, मतलब फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, यानी कि जीरो टू फोर सिक्स एट। जब इसमें से कोई भी नंबर लास्ट में दिखेगा वो तुरंत पहचान जाएगा कि हमारे कैटेगरी का है। तो यहाँ पर इवन नंबर जो है वो आप यहाँ से देखिए, अगर मैच करा रहे हैं तो ये सिक्स मैच कर रहा लास्ट में, तो ये पहचान गया कि ये हमारा कैटेगरी का है, यानी कि ये इवन नंबर है। लेकिन ये इवन नंबर नहीं है। अब हम देखते हैं ऑड नंबर का। हमें लग रहा है इवन नंबर तो समझ में आ गया, अब ऑड नंबर बताने जा रहे हैं यानी कि विषम संख्या। ऑड नंबर ऑड नंबर मतलब कि विषम संख्या, ये तो वैसे इस नाम से ही पता चल गया कि विषम यानी कि जो कहीं ना मिले। जैसे कि अगर और ये भी है कि जो किसी नंबर से और सॉरी यानी कि वो टू से डिवाइड ना हो, तो यहाँ पर हम नंबर से ले लेते हैं। जैसे वन है ये टू से डिवाइड नहीं होगा और हम थ्री ले सकते हैं, एक एक बीच में गैप कर देंगे। उसके बाद फाइव हो गया, सेवन हो गया, नाइन हो गया, इलेवन हो गया, उसके बाद थर्टीन, उसके बाद फिफ्टीन, उसके बाद सेवनटीन, उसके बाद नाइनटीन, उसके बाद ट्वेंटी, ऐसे सारे नंबर्स। ये सब कौन से नंबर हो गए? सॉरी ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर्स ये भी जैसे हमने बताए थे इवन नंबर का कोई सिंबल होगा, सेम प्रोसेस इसमें भी पहचानने के लिए एक तरीका है। तो वो भी जिसके लास्ट में नंबर्स, अगर हम यहाँ पर देखते हैं कॉमन नंबर से क्या दिख रहा है, वन दिख रहा है, लास्ट में यहाँ पर वन है और यहाँ पर लास्ट में वन है, यानी कि जिसके लास्ट में वन रहेगा। और क्या हो सकता है? थ्री यहाँ पर है, थ्री भी देख सकते हैं, यानी कि थ्री यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद फाइव, यहाँ पर फाइव भी ले सकते हैं, उसके बाद सेवन, उसके बाद नाइन। ये सारे नंबर्स जब लास्ट में पाए जाएंगे, जब ये सारे नंबर्स लास्ट में पाए जाएंगे वे नंबर्स हो जाएंगे ऑड नंबर, यानी कि विषम संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बड़े नंबर से दिखा के बता दे रहे हैं, जैसे कि 177 हो गया, यानी कि 177। अब देखिए क्या इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है? तो हाँ ये कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। आप देखिए यहाँ पर सेवन यहाँ पर है, सेवन यहाँ पर हो गया। अब जब सेवन यहाँ पर है और दोनों मैच कर रहे हैं तो ये कौन सा नंबर हो गया? ऑड नंबर हो गया। और ले लेते हैं, जैसे सपोज के दो एग्जाम्पल्स हम ले रहे हैं और दोनों एग्जाम्पल्स में पहचानना है कि कौन सा नंबर इवन नंबर है और कौन सा नंबर ऑड है। जैसे 259 हो गया और नेक्स्ट है 274 हो गया। अब दोनों में देखना है कि ये कौन कौन से नंबर्स हैं। अब हमने इवन नंबर्स के पहचान बता दिए थे, जिसके लास्ट में फोर है तो ये फोर है, ये हमारा इवन नंबर हो गया। और इसके लास्ट में नाइन है तो इसके कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, तो ये हमारा ऑड नंबर्स हो गया। इवन और ऑड नंबर्स ये हमें लग रहा है अच्छे से आ गया ना यार तुम लोगों को।
अब हम आगे बताने चल रहे हैं, इवन ऑड हो गया, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स, अब बताने चल रहे हैं नेचुरल होल नंबर्स हो गया। आप अब बताने जा रहे हैं इंटीजर के बारे में। इंटीजर, इंटीजर को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक, हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक है। इंटीजर जो हमारा हिंदी में पूर्णांक है, और इसका मीन ये भी है, ये जैसे हमने पढ़े होल नंबर वो भी पूर्ण संख्या था, अब सेम प्रोसेस ये भी पूर्णांक है, ये भी जो भी नंबर्स रहेगा वो कंप्लीट नंबर रहेगा, लेकिन ये क्या कहते हैं पॉजिटिव में भी हो सकता है, निगेटिव में हो सकता है, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में रहता है, लेकिन नेचुरल नंबर और होल नंबर ये ओनली पॉजिटिव में रहते हैं, और ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों में रहता है। तो यहां पर हम देखते हैं ये हमारा बॉर्डर हो गया, और इस साइड में हम चेंज कर दे रहे, ये बॉर्डर हो गया, सपोज करिए इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर हो गया, और इस साइड में इंडिया है, आई ए ले लिया, और ये पीओके है, मतलब पाकिस्तान हो गया। अब देखते हैं, यानी कि जब इंडिया के साइड में हम जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव में रहेगा, प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर सॉरी प्लस थ्री डॉट डॉट प्लस इनफाइनाइट तक, और ये बॉर्डर जो है ये जीरो सपोज कर लिया। अब जब हम दूसरे कह रही दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, यानी कि किस कंट्री में जा रहे हैं, पीओके में, तो यहां पर जो हमारा है ये निगेटिव में रहेगा, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक हो गया। तो यहां पर देखिए ये जो जीरो है पार्टीशन कर रहा है, दो नंबर्स में डिवाइड कर रहा है, कौन कौन से नंबर्स हो गए, एक यहाँ पर निगेटिव में दिख रहा है और एक हमारा पॉजिटिव में दिख रहा है, ये पॉजिटिव नंबर हो गया और निगेटिव नंबर हो गया। अब अगर हम बात करते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटीजर, यानी कि इंटीजर कितने प्रकार के होते हैं, तो हम क्या बताएंगे कि टू टाइप्स के होते हैं, जो टू टाइप्स जो डिवाइड कर रहा है वो जीरो ही है जो दोनों पार्ट्स को डिवाइड कर रहा है। अब साफ साफ दिख रहा है जिस टाइप इंडिया है वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो गया, और जिस साइड में हमारा पीओके है वो हमारा निगेटिव हो गया। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी हमने यहाँ बताना भूल गए, यहाँ पर इंटीजर के इंटीजर को जैसे हमने बताया होल नंबर्स नेचुरल नंबर में, ऐसे इसका भी सिंबल है आई से डिनोट करते हैं, और कहीं कहीं पर हम लोग जेड से भी डिनोट करते हैं। ऐसे यहाँ पर हम पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं तो यानी कि आई प्लस हो गया, अब यहाँ पर इक्वल करके लिखेंगे तो हमारा आएगा जीरो से लिखेंगे प्लस वन प्लस टू डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट, और कहीं कहीं पर प्लस साइन शो नहीं करते हैं। अब ये मत कहना कि वो प्लस साइन नहीं है तो ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर, वो रहता है पॉजिटिव इंटीजर, तो कहीं कहीं पर शो करते हैं कहीं कहीं पर शो नहीं करते हैं। अब हम बताते हैं निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर यहां पर हम आई माइनस से डिनोट करते हैं, इक्वल ये सेम प्रोसेस लेकिन ये निगेटिव में रहेगा, माइनस वन माइनस टू डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट, ये निगेटिव इंटीजर हो गया और ये पॉजिटिव इंटीजर है। इनफाइनाइट का मीन है आप परिभाषित, जिसे हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं वही हमारा नंबर्स हो जाता है इनफाइनाइट, हिंदी में बोलते हैं आप परिभाषित है, इंटीजर भी हो गया। अब हम बताते हैं रेशनल नंबर, अब हम रेशनल नंबर बताते हैं, रेशनल नंबर्स रेशनल नंबर्स को हम बोलते हैं हिंदी में परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर को क्या बोलते हैं परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या यानी कि जो p बाई q के फॉर्म में हो, हमने पॉजिटिव पढ़े निगेटिव पढ़े विदाउट जीरो के पढ़े थे और जीरो के साथ पढ़े थे, मतलब नेचुरल होल हो गया इंटीजर हो गया। अब हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, वो फ्रैक्शन आ जाता है रेशनल नंबर में। अब रेशनल नंबर यानी कि जो p बाई क्यू के फॉर्म में रहता है लेकिन q का वैल्यू जीरो नहीं रहता है, उस नंबर्स को हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। ये डेफिनेशन, अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर ये भी एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है कि जब हम q से
जब हम क्यू से जब पी में जब डिवाइड करेंगे, यानी कि जब क्यू से जब पी में भाग देंगे, जो प्राप्त भागफल होगा वो या तो कट जाए या बार बार आए, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं परिमेय संख्या। जैसे यहां पर हो जाएगा 7/2, ये नंबर्स हो गया, ये भी हमारा फ्रैक्शन है। सेवन बाई टू। अब यहां पर हम क्या डिवाइड करके देख लेते हैं, क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं, यानी कि डिवाइड करके देखना है, भाग करके देखना है। अभी हम ये भी बताए हैं कि जब हम क्यू से जब पी में भाग देते हैं, उसका जो प्राप्त भागफल, यानी कि जो भी जो हमारा क्वोशेंट जो आता है, या तो कट जाए या बार बार आए, ऐसे नंबर्स को हम परिमेय संख्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स बोलते हैं। तो यहां पर हम टू से डिवाइड करें, क्योंकि टू के प्लेस पर हमारा, टू के स्थान पर हमारा क्यू है, और सेवन सेवन जो हो पी के स्थान पर है, तो यहां पर हम सेवन यहां पर रखेंगे, उसके बाद डिवाइड कर देते हैं। टू थ्री जा सिक्स, यानी कि टू दो तिया छ, यानी कि 3 टाइम्स जाएंगे, यहां पर 6 आ जाएगा, और जब माइनस करेंगे तो यहां पर हमारा आ जाएगा 1 आ गया। अब देखिए वन, ये तो भी रिमाइंडर आया है, यानी कि शेषफल आया है। अभी हम और जा सकते हैं, यहां पर पॉइंट लगा कर, यहां पर पॉइंट लगा देंगे और यहां पर 0 बढ़ा देंगे। अब ये 0 बढ़ गया, अब क्या करना है, अब आगे हमें और डिवाइड करेंगे, तो 2 5 जा 10, यानी कि 2, यानी कि 2 5 10, यानी कि 5 बार जाएंगे, तो यहां पर ये कैंसिल हो गया, तो ये नंबर हमारा कैंसिल हो गया, यानी कि ये कंप्लीटली कट जा रहा है, यानी कि कहीं जाकर उसका एंडिंग पोर्शन आ रहा है। अब देखिए जब एंडिंग पोर्शन आ गया तो ये हमारा कौन सा नंबर हो गया, रेशनल नंबर। अभी ये भी हम बताया है कि या तो वो कटे ना बार बार संख्या रिपीट करे, तो वो भी देख लेते हैं। जैसे 7/3 हो गया, ये 7/3 जो नंबर्स दिख रहा है, अब इसको हम कैंसिल करके देखते हैं 7/3 को, यहां पर देख लेते हैं 7/3, जब डिवाइड करेंगे 3 से 7 में, तो ये देखते हैं कितने टाइम्स जाएगा, यानी कि 2 3 6, यानी कि 3 2 6, यानी कि 2 टाइम्स कितना आएगा 6, जब माइनस करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, यहां पर 0 बढ़ाएंगे, यानी कि 3 3 9, यानी कि 3 टाइम्स जाएंगे, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स जाएंगे, तो यहाँ पर 9 आ गया, उसके बाद माइनस करेंगे 1, यानी कि अब देखिए यहाँ पर भी रिमाइंडर, यानी कि शेषफल आया था वो ना, और यहाँ पर भी शेषफल वन आया था, तो यानी कि नंबर से बार बार ये 3 आता ही रहेगा, ये कभी कैंसिल नहीं होगा, इसलिए इस नंबर्स को भी हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। और जैसे कि ये तो नंबर हमने 2 नंबर्स ले लिए, एक हमारा कैंसिल हो जा रहा है, एक कैंसिल बार बार रिपीट कर रहा है, और कहीं कहीं पर नंबर्स जो रहेगा वो सपोज करिए 3.1368 और ऐसे आ रहा है नंबर्स, और बाद में फिर यही नंबर्स रिपीट करेगा 1368। अब देखिए ये नंबर्स भी रिपीट कर रहा है, तो इस नंबर्स को हम बोलते हैं परिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर। ये जरूरी नहीं है कि एक ही डिजिट के बाद तुरंत हमारा स्टार्ट हो जाएगा संख्या, क्या कहते हैं, रिपीट हो रहा है, ऐसा नहीं है, वो हो सकता है 5 डिजिट तक जाए, 10 डिजिट तक जाए, तब वो नंबर्स रिपीट करे, लेकिन वो जब रिपीट ही करेगा तो उस नंबर्स को हम बोलेंगे रेशनल नंबर, अगर वो रिपीट ही नहीं कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। अब हम आ जाते हैं इरेशनल नंबर पर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या, जब रेशनल था वो परिमेय था, इरेशनल ये अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या भी पी बाई क्यू के फॉर्म में रहता है, जो हमारा रेशनल है इरेशनल, वो भी पी बाई क्यू के फॉर्म में रहता है, और क्यू का वैल्यू सपोज करिए कि 0 भी हो सकता है, यहाँ पर 0 भी हो सकता है, तो हम यहाँ पर 0 भी अगर रखेंगे तो वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी, अगर हम 0 रख रहे हैं तो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। कैसे, हमने इसको दिखा देते हैं, सपोज करिए कि हम पी का वैल्यू ले लिए हैं 7 और क्यू का वैल्यू यहाँ पर 0 दिया गया है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन पे हम क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं, तो अभी देखते हैं कि यानी कि इसका रिजल्ट अप्रोक्सीमेट कितना आएगा। तो यहां पर पी बाई क्यू हो गया इक्वल 7/0, यानी कि जब इसमें हम जब डिवाइड करेंगे, यानी कि जब हम 7 में जब हम 0 से डिवाइड करेंगे, यानी भाग करेंगे, तो उसका जो रिजल्ट फाइनल आएगा इनफाइनाइट आएगा,
अब देखिए जो इनफाइनाइट आ रहा है ये भी हमारा कोई साइन में नहीं है, यानी कि ये प्लस साइन में दिख रहा है, यानी कि जब साइन नहीं दिख रहा है तो ये प्लस में है। जब ये प्लस में है तो इसे हम बोलेंगे प्लस इनफाइनाइट आ गया है, तो प्लस इनफाइनाइट यानी कि जो जीरो है, यानी कि जीरो से, यानी कि जब हम किसी नंबर में डिवाइड कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, तो वैल्यू जो है बहुत बड़ा आ जा रहा है, यानी कि उसे हम काउंटिंग ही नहीं कर सकते हैं कि जीरो से भाग देने पर कैसे इनफाइनाइट आ गया है। तो इससे ये पता चलता है कि जो जीरो है रियल में, यार वो जीरो नहीं है, रियल में वो जीरो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर यहाँ पर ये जीरो होता तो हम अगर किसी नंबर में अगर हम डिवाइड करते भाग करते तो जीरो आ जाता, यानी कि कम नंबर आता। तो यहाँ पर ये जो जीरो है जीरो नहीं है, वो जीरो की तरफ जा रहा है, टेंड कर रहा है। जैसे सपोज करिए वो नंबर जो होगा हो सकता है 0.000 करके ऐसे करके वन ही होगा, सपोज करिए। तो इस टाइप्स का नंबर है ये जीरो, लेकिन उसे वहां पर एस्टिमेट वैल्यू मान लिया गया है ये क्या है, ये जीरो है, ये जीरो है, लेकिन एग्जैक्ट ये जीरो नहीं है। इसीलिए जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा वैल्यू इनफाइनाइट आ जाता है, इसीलिए इनफाइनाइट ही आता है। अब और बात करते हैं, जैसे कि ये तो हो गया इनफाइनाइट कैसे आया, अब बात करते हैं कि पी बाई क्यू के फॉर्म में भी रहेगा लेकिन वो अपरिमेय संख्या रहेगा, इरेशनल नंबर रहेगा। ये कैसे पता करेंगे? वो हमेशा स्क्वायर रूट में रहेगा, क्यूब रूट में भी हो सकता है, स्क्वायर रूट में भी हो सकता है, क्योंकि जो यहाँ पर स्क्वायर रूट और क्यूब रूट हैं ये सारे नंबर्स रिपीट नहीं करते हैं, ये हमेशा अल्टरनेट वैल्यू आते रहते हैं, ये कैंसिल भी नहीं होते हैं। इसीलिए वहां पर वो अंडर रूट में अगर कहीं पर भी साइन दिखाए दिखेगा तो उसको वहां पर इरेशनल नंबर तुरंत बोल देना। लेकिन जो स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा अगर उसका स्क्वायर निकल जा रहा है तो वो रेशनल नंबर रहेगा, अगर स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है तो इरेशनल नंबर रहेगा। जैसे हम अंडर रूट 3/5, ये हमारा देखिए पी बाई क्यू के फॉर्म में है लेकिन यहाँ पर क्यू का वैल्यू जीरो भी नहीं है। लोग बोलेंगे कि यार ये तो हो गया हमारा रेशनल नंबर है, ये तो रेशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल। और ये भी बता दिए कि इरेशनल क्या स्क्वायर रूट में हो सकता है, क्यूब रूट में हो सकता है, फोर्थ रूट में हो सकता है, फिफ्थ रूट में हो सकता है। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं ये हमारा हो गया इरेशनल नंबर्स है। और अगर यहाँ पर सपोज करिए 25/25 अंडर रूट में हो गया और यहाँ पर 7 हो गया, अब बोलेंगे अब इसको लोग कहेंगे कि ये अभी भी बताए हैं कि ये कि क्या हो जाएगा इरेशनल, लेकिन ये भी बताए हैं कि जो अंडर रूट में है लेकिन अगर उसका स्क्वायर रूट निकल जा रहा है तो वो हमारा वैल्यू आ जाएगा रेशनल में। और ये देखिए अंडर रूट जो 5 है हम इसका सॉरी अंडर रूट 25 जो है अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा 5 आएगा। तो यहाँ पर 5 हो गया और 7। अब देखिए इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अब ये स्क्वायर रूट में नहीं है, यानी कि वो स्क्वायर रूट में कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप से भी दे सकते हैं, एग्जाम में इस टाइप से भी दे सकते हैं। तो यानी कि अंडर रूट 25/7 जब उसका हम निकालेंगे स्क्वायर रूट तो हमारा आ जाएगा 5/7। तो ये हमारा रेशनल हो गया और ये इरेशनल हो गया। अब बात करते हैं जो जीरो है क्या ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, जो जीरो है या रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो जो जीरो है 0/1 हम लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, जैसे हम 2/1 लिख सकते हैं, 5/1 लिख सकते हैं। तो सेम प्रोसेस इसमें भी हम 0/1 लिख सकते हैं, यानी कि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है लेकिन क्यू का वैल्यू जीरो नहीं है। तो ये हमारा रेशनल नंबर है, ये सब सारे रेशनल नंबर होंगे, लेकिन इनफाइनाइट हमारा इरेशनल नंबर है, यानी कि अपरिमेय संख्या है। अब बताने चल रहे हैं इससे आगे वाले नंबर्स को। रेशनल हो गया, अब बता रहे जा रहे हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होता है? प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्या, ये तो नाम से ही पता चल गया, अभाज्य यानी कि जिसको हम बांट ना सके, यानी कि किसी से ना बांट सके, या 2 से हो या 3 से हो, 5 से हो, 7 से हो, 17 से हो, यानी किसी भी नंबर से हम उसको डिवाइड यानी कि पार्टीशन उसको ना कर पाए तो उस नंबर को हम बोलेंगे प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या बहुत इजी पहचानने का, यानी कि किसी और नंबर से डिवाइड ही ना हो, ओनली 1 से हो और किसे अपने याद से हो और किसी नंबर से ना हो, उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या। जैसे 2 हो गया, 2 अपने आप से कैंसिल हो सकता है और किससे? 1 से, और किसी नंबर से कैंसिल नहीं हो सकता, इसलिए 2 जो है ये प्राइम नंबर है। अब बात करते हैं 3। 3 जो है
थ्री भी है, ये अपने आप से कैंसिल हो सकता है और किससे, वन से कैंसिल हो सकता है, इसलिए थ्री भी हमारा प्राइम नंबर है। अब हम बात करते हैं फोर, फोर जो है वो टू से भी कैंसिल हो सकता है, फोर से भी कैंसिल हो सकता है वन से, इसीलिए इसको यहाँ इस कैटेगरी में नहीं रखा गया, यानी कि प्राइम नंबर में नहीं रखा गया है। फोर नहीं, अब फाइव हो जाएगा, फाइव भी अपने आप से ही कैंसिल होगा और किससे, वन से। अब बात करते हैं सेवन, सेवन भी हमारा वन से कैंसिल होगा और अपने आप से। नाइन, थ्री से भी हो जाएगा, नाइन से भी हो जाएगा, वन से हो जाएगा, इसलिए नाइन को यहाँ पर इस कैटेगरी में नहीं रखा गया है। अब यहाँ पर हम इलेवन ले लेंगे, उसके बाद थर्टीन, ये सारे नंबर हमारे हो जाएंगे प्राइम नंबर, यानी कि आभाज्य संख्या, यानी कि जो नंबर हम लेंगे, यानी कि प्राइम नंबर में यही कहता है कि जो भी नंबर रहेगा या तो वो वन से कट जाए, वो अपने आप से कट जाए, इस नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर, यानी आभाज्य संख्या। अब बात करते हैं कि सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या है, तो दिख ही रहा है ये सबसे छोटा हमारा टू हो गया। और अगर पूछ लिया जाएगा कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी आभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी आभाज्य संख्या उसको हम इनफाइनाइट मान के चलेंगे, क्योंकि हम उसको काउंटिंग, यानी कि उसको हम अभी निकाल ही नहीं सकते कि कौन से वो क्या सॉरी कि वो नंबर से कौन सी आभाज्य संख्या है, उसे निकाल नहीं सकते। जब छोटी नंबर पूछेगा, यानी कि सबसे छोटी नंबर, सबसे सबसे छोटी प्राइम नंबर, यानी कि आभाज्य संख्या प्राइम नंबर, तो हम वहां पर बोलेंगे टू है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी प्राइम नंबर्स। तो यहां पर क्या हो जाएगा प्राइम नंबर्स में, वहां पर इनफाइनाइट बोलेंगे, क्योंकि उसको हम काउंट निकाल ही नहीं सकते सबसे बड़ी आभाज्य संख्या को, और सबसे छोटी को निकाल के दिखा दिए, ये सबसे छोटी क्या है प्राइम नंबर्स है। अब बात करते हैं को प्राइम नंबर, ये तो प्राइम नंबर हो गया, को प्राइम, को प्राइम को बोलते हैं सह आभाज्य, यानी कि एक क्या सह आभाज्य, इसका मीन यही है कि एक ऐसा पार्ट रहेगा जो डिवाइड हो जाएगा और दूसरा ऐसा रहेगा जो डिवाइड नहीं होगा, उसे हम बोलेंगे को प्राइम, यानी कि सह आभाज्य, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर हो गया सह आभाज्य संख्या। ये दोनों हमेशा पेयर में रहेंगे, यानी कि जुड़वा में रहेंगे, जैसे कि सीताराम, तो यहां पर हम ले लेते हैं टू हो गया, थ्री नहीं रख सकते हैं इसमें, टू हो गया, फोर भी ले सकते हैं। अब यहां पर अगर हम देखते हैं जो टू है ये हमारा प्राइम नंबर है और जो फोर है ये प्राइम नंबर्स नहीं है, और इन दोनों को जब हम पेयर में रख देते हैं ये हमारा हो जाता है को प्राइम नंबर्स। अब बात करते हैं थ्री नाइन भी हो सकता है, सिक्स भी ले सकते हैं, फोर भी ले सकते हैं, ये नंबर्स हमारे हो गए को प्राइम, यानी कि एक नंबर उसमें से जो हमारा प्राइम नंबर रहेगा और दूसरा नंबर वो प्राइम नंबर नहीं रहेगा और उसे हम बोलेंगे को प्राइम नंबर। प्राइम नंबर भी समझ में आएगा, को प्राइम नंबर। अब बताने जा रहे हैं कंपोजिट प्राइम नंबर, नहीं सॉरी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर यही कहता है कि जो नंबर्स, यानी कि एक नहीं दो नंबरों से, यानी कि कई नंबरों से वो डिवाइड हो जाए, एक दो छोड़कर यानी कई नंबरों से जब डिवाइड हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे वन जो है, नहीं सॉरी टू जो है ये वन से डिवाइड होगा और अपने आप से, ये तो केवल एक और दो, यानी कि दो ही नंबर हो रहा है, लेकिन कंपोजिट नंबर कहता है केवल दो ही नंबर नहीं, थ्री नंबर कम से कम होना चाहिए तभी हमारे कैटेगरी में आना है, यानी कंपोजिट नंबर में। तो हम टू को नहीं ले सकते हैं, ना ही हम थ्री को ले सकते हैं, फोर को देखते हैं तो जो फोर है ये थ्री नंबर से डिवाइड है, एक बार ये वन से डिवाइड हो जाएगा और ये एक बार टू से हो जाएगा और एक बार ये थ्री से, क्या सॉरी फोर से हो जाएगा, तो ये तीन बार डिवाइड हो रहा है, ये जो है एक बार वन से हो जाएगा और एक बार टू से हो जाएगा और एक बार फोर से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये तीन बार जब डिवाइड हो रहा है तो इस नंबर को बोलेंगे कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। अब उसके आगे और ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे सिक्स, सिक्स भी हमारा कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये टू से भी, वन से डिवाइड हो जाएगा, टू से भी होगा, थ्री से भी होगा और सिक्स यानी कि फोर से, लेकिन जो और ये भी कहता है कि दो नंबर से नहीं केवल मिनिमम थ्री नंबर से होना चाहिए, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। अब कंपोजिट नंबर के आगे बता देते हैं
एक चार्ट बनाकर जितना नंबर अभी पढ़े हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, ये नेचुरल हो गया। उसके बाद होल नंबर पढ़े थे, ये होल नंबर हो गया, होल नंबर का घर हो गया। उसके बाद पढ़े थे इंटीजर, पढ़े थे ये इंटीजर का हो गया। उसके बाद पढ़े थे रेशनल का हो गया, रेशनल का। ठीक, अभी हमने वल्ली कितने पढ़े हैं, फोर ही पढ़े हैं, ये रेशनल हो गया। अब इस सारे नंबर्स को देखते हैं जो हमारे क्या कहते हैं इवन नंबर है, ऑड नंबर्स हैं, और प्राइम नंबर, को प्राइम, कंपोजिट नंबर्स, वो सारे नंबर्स इंटीजर के नीचे ही बिलोंग करते हैं, इंटीजर के ऊपर भी बिलोंग करते हैं, यानी कि ये किसी कैटेगरी में आ सकते हैं, तो इसलिए उसको यहाँ पर नहीं रखा गया है। जो नेचुरल नंबर है इसमें जीरो नहीं होता, होल नंबर में केवल जीरो एक्स्ट्रा आ जाता है, और इंटीजर में निगेटिव एक्स्ट्रा आ जाता है। रियल नंबर्स में ये सारे नंबर्स में मिलते हैं, ये सारे नंबर्स जो हैं वो रियल नंबर के हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि क्या नेचुरल नंबर होल नंबर में बिलोंग कर सकता है, ये कंपटीशन में ऐसे ही पूछता है क्या नेचुरल नंबर्स होल नंबर में बिलोंग करता है या नहीं, तो वहां पर बताना रहेगा कि हाँ सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो होल नंबर्स है, होल नंबर में एक एक्सटर्नल आया है जो जीरो है, जीरो नेचुरल नंबर्स में नहीं बिलोंग करता है। और बात करते हैं कि क्या सभी होल नंबर्स इंटीजर हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है पॉजिटिव भी है और निगेटिव है, इंटीजर जो दोनों टू टाइप्स का होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, यानी कि जितना होल नंबर है वो पॉजिटिव इंटीजर में जा सकता है, तो इंटीजर इंटीजर टू कैटेगरी का है, तो यहाँ पर यानी कि इंटीजर में जा सकता है। और क्या सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर में रेशनल नंबर हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, तो सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर है। अब क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, क्या सभी नेचुरल नंबर्स रेशनल नंबर हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, क्या सभी नेचुरल नंबर्स इंटीजर हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, क्या सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, यानी कि सारे जो नेचुरल नंबर है ये छोटा है, सबसे छोटा है, सबके घर जा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं होल नंबर्स, होल नंबर्स केवल नेचुरल के घर नहीं जा सकता, वो सभी के घर जा सकता है। अब होल नंबर्स को देखते हैं, होल नंबर्स क्या करेगा, ये रेशनल सॉरी इंटीजर में जाएगा, और किसमें जा सकता है, रेशनल में जा सकता है, यानी कि होल नंबर्स दोनों के घर जा सकता है, केवल दो के घर नहीं कि दो ही रास्ता इसके पास ओपन है। अब हम बात करते हैं इंटीजर का, इंटीजर के पास केवल एक ही रास्ता है, इंटीजर के पास केवल एक ही रास्ता है जो केवल रियल के घर जा सकता है और किसी के घर नहीं। हमने बता दिया कि नेचुरल नंबर्स होल नंबर में जा सकता है, होल नंबर्स इंटीजर में, और इंटीजर रेशनल नंबर्स में, लेकिन ये जो रेशनल है ये रेशनल इंटीजर में नहीं आ सकता, क्योंकि रेशनल जो यार फ्रैक्शन में होता है, और यहाँ पर रेशनल और किस में नहीं जा सकता है, ये होल नंबर में नहीं जा सकता, और रेशनल नंबर किस में नहीं सकता, नेचुरल में नहीं जा सकता है, यानी कि जो रेशनल नंबर हो किसी के घर नहीं जा सकता, और जो इंटीजर है वो इंटीजर केवल जा सकता है तो रियल नंबर के पास, और किसी के पास नहीं जा सकता है। और जो इंटीजर क्या कहते हैं होल नंबर्स है, ये होल नंबर्स ये दोनों के घर जा सकता है, मतलब कि इंटीजर के और रेशनल नंबर के घर जा सकता है। ये हो गया यार, देखिए यहां तक तो हमने बता दिए पूरा, ये समझ में भी आ गया है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिए।